क्या लग रहा है? नील बट्टा सन्नाटा है, बिहार को फिर से ठगा गया, कुछ भी नहीं मिला बिहार को। आप देखिएगा, बिहार ने इतनी बड़ी संख्या में यहाँ से सांसद भाजपा के लोगों को जितवाया, आज उनको शर्म से डूब जाना चाहिए। आज लगभग 8 साल जो है, 8 साल से ऊपर हो गए सरकार को, क्या मिला बिहार को? एक बड़ी चीज बता दो, या पूर्व में जो पहले सरकार रही, यूपीए की सरकार रही, उसने जितना दिया क्या इसने दिया एनडीए की सरकार ने? तो बिहार में तो इतने लोग जो केंद्र में मंत्री हैं बिहार के, उनको शर्म आनी चाहिए कि बिहार को क्या मिला। Look at is the fiscal deficit. The fiscal deficit remains at a worrying 17 to 18 lakh crores, which means the government will go out to borrow. Once the government goes out to borrow, the private sector gets squeezed out, and the cycle of the economy does not start. And that's why the excessive reliance on government capital expenditure, and this clearly demonstrates that the economy is looking weak on the fundamentals. Thank you. But to look at is the fiscal deficit. The fiscal deficit remains at a worrying 17 to 18 lakh crores, which means the government will go out to borrow. Once the government goes out to borrow, the private sector gets squeezed out, and the cycle of the economy does not start. And that's why the excessive reliance on government capital expenditure, and this clearly. इट्स अ प्रो क्रोनी कैपिटलिस्ट बजट, यू नो, एज यूजुअल। पिछले जितने भी 7-8 बजट चले गए, वो भी टैक्सेस बढ़ाए गए, जीएसटी बढ़ाया गया, और जो इनके कुछ फ्रेंड्स हैं सम क्रोनी कैपिटलिस्ट, उनको फायदा हो रहा है। सोशल जो वेलफेयर स्कीम्स है उनका पैसा दिन ब दिन कम किया जा रहा है, जो सब्सिडीज हैं वो खत्म की जा रही हैं, और जो इन्होंने प्रॉमिस किए थे कि हम एम्प्लॉयमेंट 2 करोड़ लोगों को देंगे हर साल, एम्प्लॉयमेंट तो दे नहीं रहे पर लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हैं, यू नो, किसी न किसी तरीके से। पेंशन इन्होंने लोगों का बंद कर दिया है। तो दिस इज अ बजट फॉर अ फ्यू ऑफ दियर फ्रेंड्स, जो कहते हैं, एक अपोजिशन लीडर कहते हैं, हम दो हमारे दो, ये वही बजट है।